इकडची समस्या आहे ते धूल मट्टी आहे, एवढी धूल मट्टी इथे झाली आहे की तुम्ही परिणाम बघू शकता इकडे लोक घरी आजारी पडले आहे, मुले आणि जेवढे घरीमध्ये राहणारे लोक आहेत त्यांना खूपच त्रास आहे इकडे। समस्या मोहल्ले की ऐसी है कि कई सालों से 10-10 साल हो रहे हैं यहाँ पर रोड नहीं बन रहा है। कुछ दिनों पहले यहाँ पर मिट्टी डालकर चले गए, उसका आप लोग देख सकते हो कितना धूल उड़ रहा है। लोगों को सर्दी खांसी ये सब चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है। यहाँ के लोगों को खड्डे इस तरीके हो गए हैं कि स्पाइन का प्रॉब्लम तक लोगों को हो रहा है, पर यहाँ पर कोई नगर सेवक नहीं देख रहा है, ना ही KDMC का ये एरिया में ध्यान है। हमारा सिर्फ एक ही मंचा है, मोहल्ला कमेटी इसलिए बनाई गई कि हमारे एरिया जैसा हम न्यू कल्याण साइड जाते हैं उस तरीके के हमारे एरिया क्लीन एंड टाइडी रहे। यहाँ के रोड का मसला हो, यहाँ पर कचरगुंडी का मसला है, यहाँ पर ड्रेनेज का मसला है, तो इस चीज़ों को लेकर हम लोगों ने मोहल्ला कमेटी बनाई और इसके ऊपर हम लोगों ने कई बार कंप्लेंट भी की है, हमने लेटर भी दिया है। तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि KDMC को कि यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, आपका ध्यान दे, आप यहाँ पर आकर देखिए, खुद रहकर देखिए क्या हालात हो रहे हैं और क्या परिस्थिति में यहाँ पर लोग घूम रहे हैं। हमें यहाँ पर मास्क लगाए घूमने की नौबत आ चुकी है। बैनर्स जो लगाए ले हमने सब मोहल्ले के लोगों के लिए अवेयरनेस के लिए लगाए ले, जो मोहल्ले के हालात है वो दिन ब दिन बस से बस एकदम बेकार होते जा रहे हैं। यहाँ ना तो रोड के काम हुए, ना ड्रेनेज के काम हुए, ना इधर कचकुंडी कुछ है। गवर्नमेंट के वालों ने यहाँ से कचकुंडी उठा के लेके गए तो उसके अगेंस्ट में उनको कुछ सुविधा दिए नहीं कि आप गार्बेज कार डालो क्या करो, बस रास्ते के ऊपर पब्लिक कचरा फेंक रही है कि उनके पास फैसिलिटी नहीं है, घंटा गाड़ी का कुछ टाइमिंग फिक्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसकी वजह से मोहल्ले के अंदर बीमारी भी काफ़ी हो रही है और काफ़ी लोगों को तकलीफ हो रही है कि साइनस का प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को, और आप जाके देखेंगे डिस्पेंसरी में तो मैक्सिमम जो पेशेंट्स है सब साइनस के और सर्दी जुकाम के हो रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यू धूल मट्टी इतनी हो रही है, इसकी वजह से काफ़ी लोगों को तकलीफ हो रही है। कल्याणच्या मध्यभागी असलेला हा परिसर तसंच कल्याण डोंबिवली महापालिकेचे मुख्यालयापासून हाकेच्या अंतरावर असलेला हा बैल बाजार गोविंदवाडी परिसर आहे। या परिसराची लोकसंख्या सुमारे 2 ते 2.5 लाखाच्या घरात आहे, मात्र हा परिसर गेल्या अनेक वर्षांपासून मूलभूत सुविधांपासून वंचित असल्याचंच दिसून येतं आहे। आपण या ठिकाणी या ठिकाणचे जे रस्ते आपण पाहू शकता तर अत्यंत दुरावस्था रस्त्यांची झाली आहे। काही दिवसांपूर्वी महापालिकेने या रस्त्यावर डागडुजी केली खरी, मात्र त्यामुळे ह्या रस्त्यांवर सध्या धुळीचं साम्राज्य दिसून येतं आहे। तसंच या परिसरातील कचरा रस्त्यांवर कचरा इतरत्र पसरलेला देखील दिसून येतो आहे। या सगळ्यांचा निषेध म्हणून या परिसरातील काही संस्था होत्या, सामाजिक संस्था आहे, त्या सामाजिक संस्था एकत्र आल्यात आणि त्यांनी या संपूर्ण परिसरात काही ठिकाणी अशा आशयाचे बॅनर लावलेले दिसून येत आहेत। हमारे इलाको की बदहाली का जिम्मेदार कोण, हम आप या फिर और कोण, असे या आशयाचे बॅनर आहेत। या बॅनरच्या माध्यमातून या सामाजिक संस्थांनी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सध्या या परिसरातले जे लोकप्रतिनिधी आहेत, महापालिका प्रशासन आहे, यांना लक्ष केलं आहे, यांना जाब विचारला आहे। किमान 50 ठिकाणी असे बॅनर या परिसरात आज लावण्यात आलेले आहेत, त्यामुळे निदान आत्ता तरी महापालिका प्रशासनाला जाग येईल का व या परिसरातल्या मूलभूत सुविधा लोकांना मिळतील का, असा एक प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित झाला। अभिजित देशमुख, ABP माझा, कल्याण। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।